हेलो हेलो गाइस, कैसे हो सबके सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है यार मेरे चैनल पर। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है एंड मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आज का वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। बिकॉज आज का वीडियो ही कुछ ऐसा है, आप सभी को टॉपिक पता है बिकॉज आप सबने टाइटल एंड थंबनेल देखा है। गाइज, आज मैं एक ऐसे ऑप्टी फैन के बारे में बात करने वाला हूँ जो सच में आप सभी के FPS को बूस्ट करता है एंड आप सभी को एक अलग एक्सपीरियंस देता है माइनक्राफ्ट खेलने में। तो यहाँ से आप सभी देख सकते हो हम होम स्क्रीन पे है अभी माइनक्राफ्ट की। यहाँ से मैं जाऊँगा सेटिंग में एंड उस ऑप्टी फैन को यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि ऑप्टी फैन कौन सा है। सो गाइस, यहाँ पर आप सभी देख सकते हो ये है ऑप्टी फैन फॉर MCPE 14.1.4.OB2। ठीक है, ये ऑप्टी फैन है एंड ये 29 MB ऑलमोस्ट 25/29 यहाँ पर हो गया। तो इसको हमने अप्लाई कर दिया है, अब हम बैक करते हैं। इस वीडियो के शुरुआत मैंने एक क्लिप लगाई थी, आप सभी का एक्सपीरियंस बिल्कुल कुछ ऐसा होने वाला। तो जैसे आप इसको अप्लाई करते हो तो यहाँ पर आप सभी का जो पनोरमा है एंड होम स्क्रीन है ये टोटली चेंज होती है एंड दिखने में कितने ज़्यादा अजीब लग रही है भाई। ऐसा लग रहा है कोई ओवर ही गेम खेल रहे हैं हम लोग, माइनक्राफ्ट नहीं खेल रहे। सेटिंग ओपन करनी है तो आप सभी को इसके ऊपर क्लिक करना है एंड आप सभी को अब सेटिंग दिखाता हूँ। ये देखो भाई, एकदम ब्लर तो मैं इसको नहीं बोलूँगा लेकिन ट्रांसपेरेंट क्या बात है यार, एकदम OP लेवल में जा रहा है। ठीक है, यहाँ से आप सभी स्टोर ओपन करोगे अपने माइनक्राफ्ट का एंड यहाँ से आप सभी प्रोफाइल ओपन करोगे। यहाँ पर देख सकते हो प्रोफाइल भी कितनी सेंस हो गई है। तो जैसे ओपन करेंगे सिंगल प्लेयर पे क्लिक एंड यहाँ पर हमारा जो वर्ल्ड है ना उसको देख लेते हैं अब। तो यहाँ से हम एक वर्ल्ड प्ले करते हैं एंड लोडिंग स्क्रीन यार सब कुछ चेंज हो गया इसमें। तो देखो, एक ऐसा ही ऑप्टी फैन आप सभी को यूज़ करना चाहिए जो मतलब पूरा एक्सपीरियंस दे आप सभी के लिए, कोई भी चीज़ छूटे ना उससे, ये मैं बोलना चाहता हूँ। तो यार गाइज, ये कुछ ऐसा ऑप्टी फैन है, बस हमारा वर्ल्ड बन रहा है, फिर हम देख लेते हैं इसके अंदर आप सभी को कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं एंड जो FPS है ये किस तरह से आप सभी का बूस्ट होता है। सो गाइज, यहाँ पर आप सभी देख सकते हो हम लोग आगे हैं। देखो यार, सबसे पहले तो आप सभी को देखो इसके जो टेक्सचर, इसको टेक्स्ट देखो भाई, क्या वाटर देखो क्या लग रहा है यार, क्या बात है यार। देखो ये टेक्सचर को किस तरह चेंज करता है यार, आप सभी को कनेक्टेड ग्रास मिलती है जो देखने में एकदम OP लेवल है, देख सकते हो। एंड ये देखो भाई क्या टेक्सचर है इसका, कमाल का टेक्सचर है। एंड ऊपर आप सभी को देख सकते हो एक वो देख सकते हो यहाँ पे कंपास दिया गया, इसमें क्लॉक नहीं है ऑल, इसमें कंपास है। तो आप अपनी ओरिजिनल स्पॉन लोकेशन भी यहाँ से देख सकते हो कि कौन सी है। तो काफ़ी अच्छा क्लाइंट है एंड ऊपर आप सभी को जो H बटन मिलता है उसकी मदद से आप सभी सब कुछ हाइड कर सकते हो। एंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आप सभी देख सकते हो चैट बॉक्स की, तो चैट बॉक्स भी इसमें अंदर बहुत ज़्यादा कमाल का मिलता है, आप सभी चैट्स को रिपीट कर सकते हो कुछ भी, देखो इस तरह से। ठीक है, एंड बहुत सारी और भी चीज़ें मिल जाती हैं जिनका आप सभी यूज़ कर सकते हो। तो सारी चीज़ें एकदम ट्रांसपेरेंट मिलने वाली है जो आप सभी के एक्सपीरियंस को ख़राब नहीं करती। एंड अगर यहाँ पर आते हो तो यहाँ पर भी देख सकते हो ट्रांसपेरेंट भाई हर एक चीज़, क्या बात है यार, कितना OP है यार ये, सच में काफ़ी ज़्यादा OP है। अब यहाँ से हम लोग जाते हैं सेटिंग के अंदर। ठीक है, एंड जैसे हम लोग सेटिंग के अंदर जाते हैं सबसे पहले आप सभी को ऊपर की तरफ मिलता है, यहाँ से आप अपना कैमरा एंगल चेंज कर पाओगे। यहाँ पे ऊपर इन्फॉर्मेशन है कि इसको किसने बनाया है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर चेंज होने वाली है, देख सकते हो UI इज़ नाउ क्लियर, देख सकते हो यहाँ पे गेम हैज़ नाउ बीज ऑप्टिमाइज टू हेल्प प्लेयर, ओके रीडेबिलिटी। तो यहाँ पर जो जो चीज़ें दी गई हैं, यहाँ पर चैनल है, देख सकते हो किसने बनाया इसको, तो यहाँ पे शार्ट आउट भी मिल गया इस बंदे को। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ से हम लोग ले जाएंगे, हम जाएंगे ग्राफिक्स में एंड यहाँ पर आप सभी अपनी जो चीज़ है उनको देख सकते हो, मतलब एक तरह से वीडियो ऑप्शन है। एडवांस में जाएंगे तो यहाँ पर जो फ्रेम रेट है वो अनलिमिटेड है, देख सकते हो आप सभी। तो यहाँ पर आप सभी सारी चीज़ें देख सकते हो एंड काफ़ी इतना खतरनाक लेवल में आप सभी को ऑप्टिमाइजेशन देने वाला है, तो उसको मतलब आप सभी फील कर सकते हो अपने गेम में। अगर आपके पास कम GB का मोबाइल है इसको यूज़ करो तो आप सभी को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा इसके साथ खेलने में माइनक्राफ्ट को। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें आप सभी को प्रोवाइड करवाता है। तो हम लोग इस वर्ल्ड को थोड़ी देर के लिए क्रिएटिव में करेंगे एंड उन सब चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ से हम लोग इसको करेंगे क्रिएटिव में। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जाएंगे एंड यहाँ पर देख सकते हो शील्ड का, सबसे पहले शील्ड देख लेते हैं। तो देख सकते हो शील्ड कितनी छोटी मिलने वाली है, मतलब आप सभी अगर किसी से पंगा लेते हो तो शील्ड आप सभी को डिस्टर्ब नहीं करने वाली। अगर मैं बात करूँ इसकी टोटेम ऑफ अंडाइंग की तो ये इसमें नॉर्मली है एंड अब हम जो हर में देखते हैं इसको देखते हैं, ये है ये कार्ड पम्पकिन है भाई, कार्ड पम्पकिन भी कैसा बनाया गया इसमें भाई, कार्ड पम्पकिन का मुँह खत्म कर दिया बट यहाँ पर काम नहीं कर रही है।
ठीक है। एंड यहाँ पर देखो यार, ठीक है, यहाँ पर एक अलग लेवल का ग्लास भी दिया गया आप सभी को, ये देखो, ठीक है, इस तरह से तो काफ़ी अच्छा ही है। तो गाइस ये ऑप्टिफैन है एंड इसके अंदर सारी चीज़ें आप सभी को मिलती है। एंड मैं बात करूँ इसको, तो ये बेसिकली FPS के लिए काम आता है, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करेगा आप सभी के FPS को ये। एंड लोडिंग माइनक्राफ्ट को काफ़ी अच्छा हो जाता है, देखो यहाँ पर, ये देखो, ठीक है, तो ये बिल्कुल भी लैग नहीं होने वाला आप सभी का माइनक्राफ्ट अगर आप सभी इसका यूज़ करोगे तो। डेफिनेटली ये अच्छा क्लाइंट है, मेरे कहने से एक बार इसको यूज़ करके ज़रूर से देखना। तो आज का वीडियो आप सभी कैसा लगा कमेंट करके बताना, अगर आप सभी न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड आज का ये वीडियोस को लाइक कर देना। तो गाइस मैं बोलूँगा आप सभी को ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।